हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विद विशाल। गाइस, आज हम बात करेंगे टेनिस बॉल से कैसे आप कट और पुल लगा सकते हो। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेनिस बॉल से स्टार बनना है तो आपको कट और पुल आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉल आती है, शॉर्ट बॉल, पीछे वाली बॉल बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि टेनिस बॉल बाउंस ज़्यादा लेती है। तो आज आप महारत हासिल कर लोगे कट और पुल में, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आज आपका भाई आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि कैसे आप शॉर्ट बॉल को पुल लगा सकते हो और बाहर सिक्स लगा सकते हो छोटी बॉल पर। और बहुत ज़रूरी है क्या क्या तरीके से आप छोटी बॉल खेल सकते हो अगर टेनिस बॉल से आपके पास छोटी बॉल आता है। तो गाइज, वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट बॉल खेलना है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कभी भी डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप कभी भी पीछे वाला बॉल नहीं खेल सकते, क्योंकि क्या होता है, पीछे वाला बॉल हमारे या तो बाहर होता है, वो कट वाला बॉल होता है, या हमारी बॉडी के साइड आता है, तो हमें डर ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो बॉडी के साथ आता है, लगने का खतरा उतना ही ज़्यादा है। तो कभी भी आपको डरना नहीं है। अगर आपको सिक्स लगाने हैं, पीछे का बॉल खेलना है, तो डर अपने मन से निकालना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका आपको पहले बता दूँ, डरना नहीं है। अगर आपको एक दो बॉल लग भी गया खेलते हुए तो कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आप कभी भी ना कट अच्छे से खेलोगे ना पुल अच्छे से खेलोगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ही ये होता है, जो अच्छी तरीके से पुल नहीं लगा सकते वो बंद हो जाते हैं, वो पहले ही डर जाते हैं कि बॉल हमारी साइड आ रहा है, वो आँख बंद कर लेते हैं, वो कनेक्ट नहीं होता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बॉल अच्छे से देखना है, सबसे ज़रूरी यही है, इंपॉर्टेंट, बॉल अच्छे से देखो। जितना अच्छा बॉल अच्छे से देखोगे उतना अच्छा बैट पर लगेगा। आपने बॉल अच्छे से देख लिया, अब बात करते हैं सबसे पहले कट की, उसके बाद बात करेंगे पुल की। कट में क्या करना है, हमेशा अगर बॉल पीछे है तो आपको ये वाला पैर का यूज़ करना है। कैसे, जैसे आपने स्टांस लिया और बॉल गाइस पीछे, बॉल पीछे हुआ तो हमेशा आपको थोड़ा पीछे बैक फुट पे जाना है, क्योंकि और छोटा हो जाएगा, आपको टाइम और ज़्यादा मिलेगा। आपको सेम स्टांस लेना है और बैट आपके बैकलिफ्ट थोड़ा ऊपर आएगी और आपको पीछे आना है, ऐसे बॉल ऐसे देखना है सामने से, ना कि झुकना है, आपको सिर्फ बॉल देखना है कि बॉल किधर आ रही है। ऐसे आपने पीछे पैर रख लिया, ये वाला पैर आपका पीछे आएगा। और गाइस कोशिश क्या करनी है, पैर थोड़ा सा बाहर निकालना है ऐसे, अगर बॉल आपके कट पे बाहर आ रही है, इस लाइन में बॉल आ रही है, तो आपको बॉल पीछे निकालना है और क्या करना है, बॉल लास्ट तक पहुंच करना है, बॉल आपके पास आ रही है और गाइस कनेक्ट आपको बीच में करना है कट लगाते हुए। अगर बॉल ज़्यादा तेज होगा तो वो ज़्यादा पीछे जाएगा, अगर बॉल स्लो होगा तो वो आगे जाएगा, आपको बस कनेक्ट करनी है, कोशिश करना है कि कनेक्ट करें बॉल को, कनेक्ट जितना अच्छा कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा लगेगा बॉल बैट से। और लास्ट तक बॉल वॉच लास्ट तक करो, जैसे बॉल आ रही है लास्ट तक वॉच होगी। और गाइज हमेशा आपको वेट अपना शिफ्ट करना है, आपको आगे से पीछे जाना है, ये ध्यान रखना है, वेट आपका शिफ्ट होगा, आपका पूरा वेट ऐसे शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका लेग ऐसे शिफ्ट होगा, वेट हल्का सा पीछे जाएगा, पिछले पैर पे आएगा वेट, अगर आपको शॉर्ट बॉल खेलना है, कट मारना है। और हमेशा बैट स्विंग होगा आपका, जब बॉल पे बैट लगेगा उसके बाद आपको रिस्क का यूज़ करना है, स्विंग करना है बैट, लगते ही आपका स्विंग होगा, आप देख सकते हो ऐसे ये लगेगा। लेट कट में गाइस स्विंग नहीं होता, अगर लेट कट आपको ऐसे टक बैट पे लगाना है, टच करना है, तो लेट स्विंग में नहीं होगा। अगर आपको कट मारना है पूरा तो आपको हमेशा स्विंग करना है, और कोशिश क्या करनी है, बैट के बीच में बॉल लेनी है, बैट के बीच में बॉल लोगी उतना ही अच्छा जाएगा। और गाइस ग्राउंडेड मारने का क्या तरीका, ग्राउंडेड मारना है तो बैट का फेस आपको नीचे रखना है, ये नीचे रखना है, अगर ग्राउंडेड मारना है तो ये नीचे रहेगा, अगर आपको ऊपर मारना है तो ये ऊपर की साइड रहेगा। अगर आपको दिख रहा है आपका पॉइंट का फील्डर ऊपर है, थर्ड मैन भी ऊपर है, अगर आपको ऊपर मारना है तो हमेशा ये ऊपर कर सकते हो ऐसे, अगर आपको नीचे मारना है तो नीचे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर नीचे दोनों मारना आना चाहिए। और कैसे लगेगा, आपको रिस्ट, रिस्ट का यूज़ करना है, रिस्ट आपको ऐसे ऊपर की साइड स्लाइस करनी है अगर ऊपर मारना है, वरना नीचे की साइड करनी है। अब बात करते हैं गाइस पुल की, पुल आपको कैसे मारना है। पुल के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हमने पैंट निकाला था पीछे कट के लिए, ऐसे पुल के लिए हमें थोड़ा बाहर की साइड पैंट निकालना है, ये एरिया आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपने स्टांस लिया पीछे गए तो क्या करना है, ये पैर आपको थोड़ा पीछे निकालना है ऐसे, ये एरिया कवर हो जाएगा। अगर आपको पूरा अपना पुल मारना है तो एरिया आपका कवर हो जाएगा, आप पूरी बॉल इस रेंज की कवर कर सकते हो। तो हमेशा पैर जैसे ये आपका स्टांस है तो ऐसे निकालना है, पीछे पीछे वाली बॉल पे ऐसे निकलेगा और रेडी हो आप। और स्टार्टिंग में गाइस ग्राउंडेड बताऊँ कैसे मारना है, बैट हमेशा आपको नीचे रखना है। अगर आपको लग रहा है आपके एरिया में बॉल ऊपर है, आपको लेफ्ट हैंड नहीं मारना है, तो आपको क्या करना है, नीचे ट्राई करना है। नीचे का क्या तरीका है, बैट नीचे की साइड रहेगा, ये नीचे की साइड रहेगा ना कि ऊपर की साइड, हल्का नीचे रखना है। अगर पूरा क्लोज कर दोगे तो कन्ना लगकर खड़ा हो जाएगा, तो कोशिश क्या करनी है, हल्का नीचे की साइड, बॉल को लास्ट टाइम तक वॉच करना है और नीचे की साइड मारना है ऐसे ऐसे। और बॉडी वेट का पीछे नहीं जाएगा, बॉडी वेट आपका ऐसे नहीं जाएगा, बॉडी वेट स्टिल रहेगा, पैर पीछे जाएगा और ऐसे करना है नीचे की साइड। जब आपका ये नीचे की साइड लगेगा और पूरा हाथ खुलेंगे, हाथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे आपके हाथ खुलेंगे, कभी भी क्लोज करके नहीं मारना है, हाथ खुलने के साथ नीचे मारना है। और गाइज अगर ऊपर मारना है आपको लग रहा है, आप ऊपर उड़ा सकते हो बॉल, आप अच्छे कंफर्ट जोन में बैटिंग कर रहे हो तो हमेशा आप पीछे आओगे तो ऊपर उड़ाना है, ये बैट का फेस ऊपर है, पूरा ऊपर उड़ाना है और बैट गाइज पूरा स्विंग होगा, आप देख सकते हो यहाँ से बॉल वॉच हो रहा है और पूरा बैट आपका स्विंग होगा,
ये भी ज़रूरी है। कट का मैंने बता दिया, पुल का भी आपको ऐसे ही मारना है, पुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप इधर आ गए तो गाइस इधर वाला तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो बैट, अगर आप इस रेंज में तो पुल ही लगेगा। वो वेट पूरा शिफ्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं गिरना है, सिर्फ पीछे आना है और ग्राउंडेड मारना है तो ऐसे। और किस बॉल पे ग्राउंडेड लेफ्टेड मारना है गाइज, अगर आपको लग रहा है आपकी रेंज से बाहर है बॉल, वो खड़ा हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको ग्राउंडेड। अगर आपको लग रहा है इस रेंज में अच्छा पुल वाला बॉल है तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। बैट स्विंग के दो तरीके हैं, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। तो ये देखना है आपकी टीम किच की, ये आपको देखना है आपकी टीम प्रेशर में है या प्रेशर से बाहर है, आप अच्छी कंफर्ट जोन में बैटिंग कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। अगर आपको लेफ्टेड मारना है आपको रेंज में बोले तो ऐसे उड़ा दो गाइस, पूरा स्विंग करो। अगर आपको लग रहा है नीचे मारना है तो ऐसे स्विंग करो। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है अगर आपको शॉर्ट बॉल में गाइस प्रॉब्लम हो रही है। और किसी बॉल में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, क्रिकेट विद विशाल सेम अकाउंट है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।